हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं उस दिन मोबाइल नहीं ले पाया था, नंदगंज जब गया था मार्केट में, क्योंकि उनके पास मोबाइल वह नहीं थी जो मुझे लेना था। मुझे लेना था वीवो T2X जो कि मार्केट में उपलब्ध नहीं था। मैंने नंदगंज में भी पता किया और मैं सैदपुर में भी पता किया तो वीवो T2X नहीं मिल रहा था। काफ़ी उसकी डिमांड है क्योंकि उसकी मतलब आपूर्ति नहीं हो पा रही है मार्केट में, तो मैं वो नहीं ले पाया। तो मुझे मजबूरी में ये फ़ोन लेना पड़ा, वीवो T2। और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, उससे 18,999 रुपये था, और जो वीवो T2X था उसका 13,999 रुपये था। तो क्वालिटी कुछ इसमें अच्छा है बट महंगा पड़ रहा था। मैं लेना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने फ़ोन लिया तो EMI पर लिया क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मेरे काफ़ी कुछ पैसे खर्च हो गए थे और मेरा फ़ोन ख़राब भी हो गया था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह फ़ोन लेना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इसकी मतलब ओपन करके अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ यह फ़ोन कैसा है। आज काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मैं इसका रिव्यू देखा था। चलिए पहले सबसे पहले आप लोग को मैं ओपन करके दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर T2 लिखा है 5G और यहाँ पर ये लिखा है वीवो। तो उस दिन मैं फ़ोन लेने वाला था तो नहीं ले पाया बिकॉज जो मैं फ़ोन लेने वाला था वीवो T2X नहीं मिला, तो मुझे इसको लेना पड़ा। ये मुझे यह महंगा पड़ रहा था इसलिए मैं नहीं ले रहा था इसको। चलिए इसको ओपन करते हैं और ये देखिए इसको ओपन करने के बाद ये देखिए फ़ोन है, इसको निकाल लेते हैं। अरे देखिए ये है फ़ोन और ये पीछे बैक कैमरा है इसका, जो प्राइमरी कैमरा है 64 MP का है। और ये तो एक ऐसा ही दे दिया गया है। ये देखिए पीछे स्क्रीन काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में स्क्रीन, और ये सामने जो 16 MP का कैमरा है तो काफ़ी बढ़िया। चलिए इसको ऑन करके जल्दी जल्दी इसका सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए वीवो 5G लिख रहा है। और आप देख सकते हैं यह फ़ोन खुल चुका है और जो प्राइमरी कैमरा है इसका ये 64 MP का है, और ये तो एक ऐसे ही दे दिया है। 45 mAh की बैटरी है और फुल AMOLED डिस्प्ले है, HD फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा है। मैं इस आप लोग देख सकते हैं इसमें। चलिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या इसमें है, कुछ दिया है क्या अंदर, और इसको हटाते हैं। और देखिए ये इसका केस दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है देखने में, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है। ये है देखिए कितने वाट का चार्जर है, ये 44 वाट का चार्जर है, ये कुछ दिया है ऐसा। और ये है इसका केबल और ये है इसका पिन। चलिए इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि जो मेरी हम लोग की जो YouTube फैमिली है 1400 प्लस की हो गई है, मतलब 14,000 हम लोग की जो YouTube फैमिली है वो क्लियर कर चुकी है, प्लस की हो गई है। तो बहुत बहुत आप सभी लोग को धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए। और यह भी ब्लॉग कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं नए ब्लॉग में नए प्लेस पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।